अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। अल्लामा तारिक रजा खान साहब से बात करने की शायद हासिल कर रहा हूँ। जी 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 हजरत, मैं राजस्थान से बात कर रहा हूँ, आपके खादिम अब्दुल मलिक कादरी। जी हजरत फरमाइए। क्या नाम बता आपने? अब्दुल मलिक कादरी। अच्छा अच्छा हाँ जी। अगर मशवरा बल्कि हुक्म तलब करना था आपसे। जी फरमाइए। वो ये कि हमारे यहाँ, हमारे इलाके में अभी चंद रोज कबल जो है फारूक खान साहब तशरीफ लाए थे, नागपुर वाले। नागपुर वाले कौन? फारूक खान साहब जो है नागपुर वाले। हाँ जी, वो तशरीफ लाए थे हमारे इलाके में जी। तो कई जगह उन्होंने जो है चैलेंज किया वहावियों को खुलेआम। हाँ, बिल्कुल। हाँ इसके अंदर जो देवबंदी लोग हैं हमारे यहाँ, हाँ उन्होंने जो है वो चैलेंज कबूल कर लिया। अच्छा। अब मुनाजरे के लिए जो है फारूक खान से बातचीत हो रही है तो वो तैयार भी हो रहे हैं और कुछ मतलब उनके कदम जो है पीछे भी हटते लग रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि मैं आलिम नहीं हूँ। तो देखिए, फारूक साहब की ये बहुत बड़ी भूल है और बहुत बड़ी बेवकूफी है जो मुनाजरे का चैलेंज करते हैं। उनके अंदर मुनाजरे की सलाहियत कहाँ है, वो तो हासिल है। जी 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 और मुनाजरा कर लेना इतना आसान नहीं है जिसके अंदर फन्ने मुनाजरा या उसूल मुनाजरे को मालूम ही न हो। जी हजरत जी, उसको अपना काम महदूद हल्के तक करना चाहिए, मुनाजरे का चैलेंज नहीं करना चाहिए। वैसे लोग अगर चैलेंज करेंगे और सामने वाला अगर कबूल कर लेता है और फिर मुनाजरे की नौबत आती है और फिर पछताई का मुंह देखना पड़ता है जी, तो फिर अपनी अहले सुन्नत की बदनामी होती है। जी 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 जैसे हाँ, उनसे मुनाजरा नहीं करवाया जाए तो बेहतर है। जी 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 हजरत, यही मशवरा हो रहा था हमारे यहाँ तो वो अपनी जबान से ये भी कह रहे हैं कि मैं आलिम नहीं हूँ और जब मुनाजरा होगा तो मुनाजरे के अंदर तो फिर हर तरह की बातें होंगी, उसमें फिकह की किताबें भी पेश की जा सकती हैं। हाँ, तो उनको उनको इतना चाहिए हजरत। हाँ, जब वो खुद बोल रहे हैं तो उनको कह दीजिए इतना, आप अपना काम तकलीफ किया करें जो आपका फन है जी, ना। जी जी मुनाजरे का चैलेंज आप कहीं ना क्या करें। जी जी जब आप खुद कह रहे हैं कि मैं आलिम नहीं हूँ तो मुनाजरे का चैलेंज क्यों करते हैं? ये बात तो अकाबरीन ने अगर कहे हमारे तो ज्यादा बेहतर है, हम लोग तो क्या कहें। आप नहीं नहीं कहना चाहिए उनको ऐसा। वो हाफिज है, वो असल में क्लिप दिखा दिखा के तकलीर करते हैं। चलिए, वो उन्होंने एक अपना रास्ता अपनाया, उससे भी बहुत काम हुआ है। क्लिप दिखा दिखा के गैरों का लोगों को मतलब आगाही मालूमात में फराहम किया है। जी जी जी, कि उन लोगों का असल चेहरा क्या है, तो उनका अपना काम है तो वहीं तक उनको महदूद रहना चाहिए। अब लगे मुनाजरे का चैलेंज करने के लिए, अब कहीं मुनाजरे की नौबत आ जाए तो क्या होगा। जी जी अगर हमारे यहाँ तो मिजाज ये है कि हम जब भी किसी तरह का कोई इकदाम उठाते हैं, कोई प्रोग्राम करते हैं तो अकाबरीन से, हमारे जो मुस्तनद उलमा हैं उनसे राब्ता करते हैं। अहले सुन्नत के जो उलमा हैं, लेकिन कुछ नौजवान उनकी तकरीर से मुतासिर हो जाते हैं और वो जो है खुद प्रोग्राम रख लेते हैं, फिर खुद इन्हें बुला लेते हैं। तो और फिर एक नुकसान ये भी हो रहा है कि लोग जो है उनकी तकरीर, चूंकि वो नया अंदाज है बिल्कुल, तो उसको मुतासिर हो जाते हैं। फिर हमारा जो मिजाज था उलमा को बुलाने का, काबिरीन को, अहले सुन्नत के, तो वो लोग फिर उन्हें पसंद नहीं करते हैं कि नहीं उन्हें बुलाया जाए। जी जी, आज हमारे अकाबिर जब आते हैं तो फिर वो कबूल करेगा ही नहीं जिंदगी में। वो जानता है कि हाफिज, इसीलिए सामने वाला कबूल कर रहा है। जी जी जी, बेशक बेशक। तो किसी अच्छे आलिम से रब्ता कीजिए, वो कबूल कर रहा है तो, क्योंकि वो तो आएंगे नहीं। जी, तो हजरत आपसे इसीलिए रब्ता किया है कि आप जरूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह आपको जरूर रहमत दी जाएगी इंशाल्लाह। जी, जी, और क्या क्या कहा था उन्होंने, फारूक साहब ने किस मैटर पे चैलेंज किया था? वही उलमा देवबंद की तकफीर पे चैलेंज किया था। अच्छा जी। उसके बाद देवबंदियों ने भी जो है एक मौजू रखा है कि हम भी ठीक है, आपने जो मौजू दिया है उस पर भी बात करेंगे, बाकी उसके बाद हमारा मौजू रहेगा उस पर बात होगी। वो है कि उन्होंने गालिबन जो लिखा है वो है गालिबन के हम आला हजरत की तकफीर साबित करेंगे। अच्छा जी, इस तरह का मौजू लिखवाया है। हमारा तो सबका मशवरा यही था उस वक्त में, अगर से हम लोग नहीं बोले, वो खुद बैठे हुए थे, लेकिन हमारी राय तो यही थी कि उनका मौजू कबूल न किया जाए,
अपना ही मौजू रखा जाए, लेकिन उन्होंने जो है फारूक साहब ने उनके मौजू पे भी दस्तखत कर दिया कि ठीक है इस पे भी बात करेंगे। अच्छा जी, बहुत बड़ी भूल करते हैं वो, कई जगह ऐसा हो चुका उनके साथ। जी तो ठीक है, हम और मशवरा कर लेते हैं फिर आपसे, इंशाल्लाह रास्ते में रहेंगे और आपको जरूर जी सहमत देंगे। जी इंशाल्लाह जी, जजाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।